देखिए, लोगों में तो बाहर कोई फर्क नहीं है, यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है ना वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, खुशहाली के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है। जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला, और मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, तो एक खौफ तो दिल में था। वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखिए मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूंगा। वेज के अंदर कभी भी आप जाएं तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल वहां जरूर ट्राई कीजिएगा आप, इंशाल्लाह जो है ना ये नॉन वेज अपना भूल जाएंगे, चिकन वगैरह ये वो गोश्त वगैरह मटन वगैरह सब भूल जाएंगे। आज जो है ना हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो है एजुकेटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जीरो है, हमें तालीम ही नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफिकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी जिंदगी में नहीं करते। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया घूमने आए एक पाकिस्तानी मौलाना का इंडिया की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। इस पाकिस्तानी मौलाना का नाम है मोहम्मद यहिया। कुछ मजहबी प्रोग्राम के लिए मौलाना को इंडिया का 10 दिन का वीजा मिला था। इन 10 दिनों में मौलाना मोहम्मद दिल्ली में ही रहे। यहाँ के खान पान की मौलाना साहब ने तारीफ की, खास करके हिंदू होटल्स में मिलने वाले नॉनवेज खाने की। इसके अलावा मौलाना ने दिल्ली के मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही बताया जाता है कि इंडिया में मुसलमानों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता। ये सब देखकर मौलाना साहब को भी समझ आया कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ नफरत भरने के लिए ये सब झूठ बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। देखिए इंडिया जो मेरा जाना हुआ था ना, वो हुआ था पिलग्रियम पर ना। पिलग्रियम होता है ये, इसमें हमारी गवर्नमेंट हमें लेके जाती है ना इंडिया, और उनकी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी वगैरह उनकी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। मेरा जो बेसिक वीजा था वो पिलग्रियम था, विजिट वीजा नहीं था। वीजा जो हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है उनकी हुकूमत की तरफ से, वो एक ही शहर का दिया जाता है जिस शहर का वो पिलग्रियम अलाउ होता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने जो अप्लाई किया था वो दिल्ली के लिए किया था ना, तो जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था वो उर्स था, और उर्स था हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने इनके उर्स के सिलसिले में ही अप्लाई किया था। तो सर, ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि आपको यहाँ पर इन किन के उर्स पर जाना चाहिए? किस तरह ये ख्वाहिश आपके दिल के अंदर पैदा हुई? असल में देखें मामला ये था कि इंडिया जो है ना ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ठीक ठीक है। है। पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो मेरे खुद दादा, परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। तो ठीक। एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप दादाओं की जमीन भी देखें कि वो कैसी है, वहाँ की खुशबू क्या कहती है और वहाँ की जमीन क्या कहती है ना। तो सर, विजिट वीजा और इस वीजा में क्या फर्क है और कितनी मुश्किल से मिलते हैं ये वीजा? क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने वीजास बंद किए हुए हैं। इंडिया से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया बड़ी मुश्किल से जा पा रहे हैं। देखिए इंडिया से पाकिस्तान आना बहुत सिंपल है, वहां पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहां से पाकिस्तान आराम से आया जा सकता है ना। तो अभी रिसेंटली कोई रिश्तेदार हमारे आए हुए भी थे कराची ना, वो इंदौर से आए हुए थे और वो जा चुके हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो सारी हमारे साथ है। असल में हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानियों को और खासकर मुसलमानों को जो वीजे प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड दिए जा रहे हैं ना, बड़ी किल्लत से देते हैं। बाकी हमारी जो वहां पर दिल्ली में एम्बेसी बनी हुई है, उनको तो इजी टू वीजा प्रोवाइड कर दिया जाता है, बस वो सुबह जाते हैं और शाम को उनको वीजा मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको पहली दफा इंडिया जाकर? क्या फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में? देखिए लोगों में तो बाहर कोई फर्क नहीं है, यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है ना वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, खुशहाली के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है और तरक्याती उनकी बहुत ज्यादा हुई हुई है, यानी उनके रोड्स वगैरह और स्टेशन, इवन यहाँ तक के हमारा जितना भी सफर था वो ट्रेन का ही हुआ है ना, यानी कि हमने अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली ही गए और दिल्ली से रिटर्न भी हम ट्रेन में ही आए अमृतसर। ट्रेन उनकी वेल डेवलप है हमारी नस्बत, हमारी जैसे ग्रीन लाइन है तो उनकी वहां पर इकोनॉमी क्लास है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया जाने से पहले आपके दिमाग में क्या तासुर बना हुआ था, क्या खौफ तारी था कि इंडिया जाऊंगा
तो क्या वापिस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा? और यकीनन दाढ़ी की वजह से कहा जाता है कि मुसलमान पहचाने जाते हैं, और इंडिया में मुसलमानों को आजादी नहीं है, उनके राइट्स नहीं मिलते, उन पर जुल्म और ज्यादती की जाती है। तो जाने से पहले क्या कोई खौफ था आपके दिमाग में? जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला, और मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपका जहन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना चाहिए। सही तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से दो बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर देखा जाएंगे जाएगा। या तो जिंदा वापस आएंगे, यही हमने सोच लिया था, या तो अल्लाह की राह में शहीद है या तो गाजी बन के वापस आएंगे। लेकिन जब हम हमने अपना लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया, तो उनके बॉर्डर पे जो दरवाजे पे अटारी दरवाजे पे जो उनके बीएसएफ के जो उनके बंदे खड़े हुए थे, सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी इज्जत करी हमारी, और ये कहने के बस गले नहीं मिला हूँ, लेकिन जो उसकी गुफ्तगू और जो उसका जो मिलन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही इंतजार में बैठा हुआ था कि यार ये लोग कब आए तो मैं इनसे मोहब्बतें निछावर करूँ, पहली बात। तो दूसरी बात, जब हम उनकी इमिग्रेशन पर पहुंचे तो उनका भी बड़ा खुलूस वाला अंदाज था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान हो तो ये हो तो वो हो, इस तरह की उन्होंने कोई वो नहीं किया, कमेंट नहीं करा, और ना ही उन्होंने जो है ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कोई ऐसी बात कही हो कि जिससे आपका हर्ट हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के बड़े बड़े मजार इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, तो हिंदुस्तान की सरकार ने किस तरह उन मजारों को, उन दरगाहों को, उन मस्जिद को रखा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ का मुसलमान यही सोचता है कि वहां पर मुसलमानों को आजादी नहीं है मस्जिद में जाने की, नमाज पढ़ने की, वो बड़ी दबी हुई घुटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। अब आप एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, आप अपनी आंखों से वहां पर सब कुछ देख कर आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन लोगों को हकीकत से आगाह करें जो मीडिया की सुनी सुनाई बातों पर कान धरते हैं और इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। ये टोटल ऑल ऑफ जो है ना, दोनों साइड पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके सामने बिल्कुल चेंज है। क्योंकि देखिए मैं खुद वहां पे रह के आया हूँ ना, तो मैंने जो देखा है, क्योंकि मेरे दिनों के अंदर एक जुम्मा भी आ चुका था, अच्छा तो वहां पर वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखिए मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूंगा। अगर तो दूसरे शहरों में या कहीं और किसी और साइड पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। और रही बात मजारात की, तो मजारात पे जो भी मामलात हैं, तो उसमें भी जो है ना कोई वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई वो हो, कैदो जब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया हो। ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन ये नहीं भूलूंगा, क्योंकि इंसान इंसान को नहीं भूलता लेकिन खाना पीना भूल जाता है। कभी भी आप जाएं तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इंशाल्लाह जो है ना ये नॉन वेज अपना भूल जाएंगे, चिकन वगैरह ये वो गोश्त वगैरह मटन वगैरह सब भूल जाएंगे, ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहां पर हिंदू। क्योंकि देखिए आज जो है ना हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो है एजुकेटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जीरो है, हमें तालीम ही नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफिकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी जिंदगी में नहीं करते ना, हम लड़ाई की बात करते, हम मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं। ठीक है, इस्लाम तो दर्स भी यही देता है ना कि मोहब्बत और अमन से रहो और इंसानियत इंसान बन के रहो, ठीक है ना। लेकिन हुकूमती मामला देखते हुए तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई इंसानी वाला मामला, इंसानों वाला मामला कहीं नजर आ रहा हो या इंसान बन के कोई चल रहा हो। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, जो भी पाकिस्तानी भारत घूमने आता है तो उसके बाद वो भारत की तारीफ ही करता रहता है, क्योंकि भारत आने से पहले इन्होंने अपने दिमाग में भारत की गलत इमेज डाली होती है। लेकिन जब पाकिस्तानी भारत आते हैं और यहाँ के लोगों का मेहमानों के प्रति व्यवहार और प्रेम देखकर पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंडिया वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था। हर पाकिस्तानी को इनकी मीडिया और पॉलिटिशियंस द्वारा भारत के खिलाफ गलत बातें बताई जाती है, जैसा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, इंडिया में मुसलमानों को मजहबी आजादी नहीं है, मस्जिदें तोड़ी जाती है,
मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उन्हें डरा धमका के रखते हैं। ये सब जहर एक आम पाकिस्तानियों के दिमाग में इंडिया के खिलाफ होता ही है। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी भारत आता है और देखता है कि यहाँ का मुसलमान तो हमसे भी ज्यादा आजाद और खुश है, उसके बाद भारत की तारीफ करना इनकी मजबूरी बन जाती है। इंडिया में सब धर्मों को एक नज़र से देखा जाता है। हिंदू जरूर मेजोरिटी में है, इसलिए सब धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट मिलती है। जिस दिन हिंदू कम हो जाएंगे उस दिन क्या होगा आप सबको पता है। आपने इस वीडियो में देखा, मौलाना मोहम्मद बता रहे थे कि इंडिया जाने से पहले उन्हें पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि इंडिया जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इंडिया में 10 दिन रहने के बाद मौलाना बता रहे हैं कि इंडिया जैसी मेहमान नवाजी उन्होंने पहले कहीं नहीं देखी। जो इंडिया घूमने आते हैं अगर उनके इंटेंशंस ठीक है तो इंडिया वाले पहले से ही मेहमानों को अतिथि देवो बोलते हैं, या तो मेहमानों को 56 भोग खिलाए जाते हैं। और वीडियो में आगे मौलाना साहब ने बताया कि इंडियंस को तो पाकिस्तान का वीजा आसानी से मिलता है, लेकिन पाकिस्तानियों को इंडिया का वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके लिए पाकिस्तानी खुद जिम्मेदार है। इंडिया का माहौल खराब करने के लिए आज तक पाकिस्तान ने जो हरकतें की है, इन हरकतों की वजह से ही पाकिस्तानियों को इंडिया का वीजा नहीं मिलता। और जिन पाकिस्तानियों को इंडिया का वीजा मिलता है उनको वीजा देने से पहले पाकिस्तान में मौजूद इंडियन एम्बेसी उस शख्स की पूरी छानबीन करने के बाद ही उसको वीजा देती है। जब 100 पाकिस्तानी एक साथ इंडियन वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो मुश्किल से 10 पाकिस्तानियों को ही वीजा मिलता है। जब सारे पाकिस्तानी इंसान बन जाएंगे, आतंकवादी हरकतें करना बंद कर देंगे, उसके बाद ही हर पाकिस्तानियों को इंडिया का वीजा आसानी से मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।